यहाँ क्यों बैठी हो? हर जगह तो छीन लिया मुझसे, यहाँ कुछ सुकून मिला तो आकर बैठ गए। ऐसे रोने धोने से सुकून कहाँ मिलता है, मुश्किलें बढ़ जाती, तकलीफें कम नहीं होती। तो क्या करूं भाभी, आप ही बताते। एक तलवार है जो लटक रही है मेरे से, जो कभी भी गिर सकती है, कहीं से भी आएंगे और तलाक के 3 लफ्ज बोलकर चले जाएंगे। नहीं बोलेगा, जज्बात में कहते हैं। इतना खौफ और लिहाज तो है उसके दिल में अम्मा का, और हमारे यहाँ कहाँ तलाकें होती, दूसरी शादी भी तो नहीं होती। की ना हबीब साहब तो बागी है, कुछ भी कर गुजरते, जो मन में आए करते, चाहे किसी पे कयामत क्यों न टूट जाए। चंद दिनों के लिए हबीब की नजरों से ओझल के नहीं हो जाए, मामला ठंडा हो ये कागजात का तो फिर आ जाना। इस घर में रहते हुए तो ये नहीं हो सकता भाई, वो मेरा जीना हराम करके रखेंगे। जब तक उनको ये कागजात नहीं मिल जाते, ये चैन से नहीं बैठेंगे, मैं जानती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के घर क्यों नहीं चली जाती, मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाना। भाभी, अम्मा के यहाँ जाने से क्या होगा, वहां भी तो इसकी मुखबिर बैठी, मेरे लिए कौन हार फूल लेकर खड़ा है। वो मजबूरी है, मजबूरी में सब्र ही करना पड़ता है। फिर वो तुम्हारी माँ का घर, चंद दिन उनके साथ भी वक्त गुजार लो, तुम्हारा दिल भी बहल जाए। क्या बात है, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं जैसे किसी सल्तनत के शहजादे। हाँ तो और क्या, मैं शहजादा और तुम शहजादे, और हमारी अपनी सल्तनत। छत तो है नहीं अपनी, सल्तनत कहाँ से आएगी? क्या हुआ अगर अपनी सल्तनत नहीं है, तुम किसी और की सल्तनत भी तो छीन सकते। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? सब कुछ हमारी मुट्ठी में है सायका बेगम, ये घर, ये कारोबार, इस सब पर अब हमारी हुकूमत होगी, ये घर अब हमारा है। क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे समझो, हो गया वो कागजात जिसकी धूम मची है ना घर में, वो अब मेरे पास। क्या आपके पास कैसे आए? बहुत आसानी से, मासी को मैंने कुछ पैसे दिए, उसने हबीब के कमरे से वो कागजात चुराए और मुझे ला दी। ये ने दादी आपकी चाय। कितनी देर हो गई मैंने कहा था चाय के लिए, अब लेके आ रही हो? भाभी बड़ी अम्मा ने कोई काम बता दिया था, स्टे 13 रुपए। चलो अच्छा ठीक है, जा कहाँ आ रही हो, बैठो यहाँ।
कुछ वक्त दादी के साथ भी गुजार लिया करो। इधर में किसी को अपने झगड़ों से फुर्सत हो तो मेरी परवाह करे। हाय मेरा सही, रोजाना आके मेरे पास बैठता था, बातें करता था, एक एक शिकायत सुनता था मेरी, जाकर समीना को डांटता भी था। अरे वो सबका ख्याल करता था, सबकी खबर रखता था, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी हर बात का मान रखता था मेरा ज़हीर। अब देखो इन लोगों ने क्या हाल कर दिया इस घर का। थादेव, जब इन्हें बड़े अब बहुत याद आता है, ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे रिजल्ट के बारे में सुनते ना बहुत खुश होते। हाँ सुना है तुम पास हो गई हो। दादी सिर्फ पास नहीं हुई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हो। स्कूल में टॉप किया है मैंने, प्रिंसिपल भी गई थी, वाई नहीं स्कूल का नाम रोशन कर दिया तुमने, स्कूल में सब मुबारकबाद दे रहे थे मुझे। चलो अच्छा हुआ तुम पास हो गए, तुम्हारी दिन ही ख्वाहिश थी ना पास होने की, हो गई ना, चलो अल्लाह ने करा दी ख्वाहिश पूरी तुम्हारी। अब देखो अब ध्यान से पूरी तवज्जो देनी होगी गृहस्थी पर, समझी ना, यही औरत का सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया होता है, समझ गई ना। और इस मजमून में बल नंबर ला के दिखाओ मुझे तो मैं समझूंगी तुम्हें। दादी अगर मैं एक अच्छी भाऊ होने के साथ साथ अच्छी इंजीनियर भी बन जाऊँ तो कल क्या ख्याल है? अल्लाह की मारो उस पर जो तुम्हें ये ऐसी पट्टियाँ पढ़ा रहा है, कौन है ये? हद होती है, इस खानदान में किसी लड़की ने जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ा, जितनी जरूरत थी उतना ही पढ़ा बस। और एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लो, जो चीज़ जरूरत से ज्यादा हो जाए ना वो नुकसान ही देती है हमेशा। अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो। हर बार और परेशानियाँ कम है कि लड़की को घर से बाहर निकाल के और अजाब नाज़िल करेंगे अपने ऊपर। अब मैं सुनूँ तुम्हारे मुँह से ये बात, समझ गई? ठीक, चलो जाओ बस। अब मैं बता रही हूँ आप आग से खेल रहे, इसमें हमारे हाथ तो जलेंगे, सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। रिश्ते? कौन से रिश्तों की बात कर रही हो तुम? हाँ वो रिश्ते जो ज़हीर भाई के जाते ही आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, बहन भाई के खिलाफ, बेटी बाप के खिलाफ, ये सब अपने आप ही बिखर जाएंगी। और इससे पहले कि ये बेवकूफ लोग ये दौलत और कारोबार सब अपने साथ डुबो दें, हमें कुछ करना होगा सायका बेगम। वो तो ठीक है लेकिन सब सही नहीं हो रहा। अपने रिश्तों को लेकर शायद तुम अंधी हो गई हो लेकिन मैं नहीं हुआ। यहां तुम्हें ना कोई हिस्सा मिलेगा और ना ही हक। मैं इस इंतजार में सारी जिंदगी यहां नहीं मरने वाला, सही हो या फना। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किताबें तो यहाँ ऐसे फैलाई हुई है जैसे इलॉन मस्क की अगली गाड़ी आप बना रही हो। फिर वो क्या हुआ? दादी ने साफ मना कर दिया आगे पढ़ने से।
तुम्हारा मसला क्या है यार? मैंने तुमने एक दफ़ा कह दिया है कि तुम आके पढ़ोगी तो चाहे पढ़ोगी, हना लेंगे यार आहिस्ता आहिस्ता सबको, लेकिन तुम हर बारी मोनालिसा की पेंटिंग बन के सबके सामने खड़ी हो जाओगी तो फिर वैसे ही बहुत मसाइल। तो मैं शोहर हूँ तुम्हारा, क्या कहते हैं साची मजाजी खुदा, ये कहते हैं ना मजाजी खुदा ही कहते हैं ना, तो ये मजाजी खुदा आपका ये कहता है कि उसकी बेगम इंजीनियर बनेगी। अब प्लीज मेरा भी मुझसे कर दो मजाजी खुदा, तुमने इंजीनियर तुम अंदर हो, मैं देखता हूँ। स्टूपिड, क्या क्या कह रहे थे अभी, इंजीनियर बनाओगे? इस पढ़ाई ने इसका दिमाग खराब किया है, तुम अपनी जरा हद में रहो, जमीन पर रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम बजाय इसके किसको समझाओ इसको शह दे रहे हो? हमारे घर की औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली है, इस घर की तमीज और तहजीब को तबाह करना चाहते हो? औरत जात को इंजीनियर बनाओगे, कल को फिर इससे नौकरी भी कराओगे, इसकी कमाई भी खाओगे तुम? ठीक है रे, ठीक है रे, हमारे घर की औरतें तो यहां सिर्फ मर्दों के हाथों जलील होने के लिए पैदा हुई। आपको आपकी तमीज और तहजीब मुबारक हो। एक बात बताएं, यानी कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किधर जाती है, कुछ तो पता होगा, कभी स्कूल छोड़ने तो गए होंगे? नहीं, जैसे पहले कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ना, तो इस बार भी नहीं दिख, बेहतर होगा। दोनों मियां बीवी का मामला है, दूर रखें। और अगर थोड़ी देर अगर हमें प्राइवेसी मिल जाती तो अच्छा होता, ठीक है, प्लीज थोड़ी देर। समेटो उसको। चले चले भी, धप्पा है इस कदर बदतमीज औलाद ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसे बात करता है कोई अपने बाप के सामने? हद कर दी है एनी ने तो यार। बेटियां पराई होती हैं, सही कहते हैं लोग, किसी की नहीं होती हैं एहसान फरामोश। हैरत होती, इन लोगों के लिए छोड़ा था आपने मुझे अकेले, हाँ इतना अकेला रखा इन लोगों के लिए। हाँ तो राहिल, अब आंखों से पट्टी उतर गई ना मेरे, ये सब के सब सांप हैं, ये रिश्तों की पट्टियां पढ़ाकर पीछे से वार करने वाले। कौन? अबू। तुम भी बातें सुनाने आई हो मुझे? नहीं अबू, मुझे तो बस अम्मी ने इतना कहा कि मैं आपको बता दूं कि हम नानू के घर जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। ऐसी कोई बात नहीं है, आलिया से बात हुई है मेरी, उसने तो कुछ नहीं बताया मुझे। पता नहीं, मुझे जो अम्मी ने कहा मैंने आपको बता दिया। बेटा अम्मा से कहो निकले यहाँ से पहली फुर्सत, निकले। जी जाओ यहाँ से। जी जाओ। ड्रामेबाज फैमिली है पूरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
हेमन, एक हफ्ते का गैप आ गया है, अब बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ेंगी हमें। मेरा भी ये टाइम बहुत मुश्किल से गुजरा है। देखो हेमन, अगर तुम्हारे पेरेंट्स किसी भी बात पे मुझसे नाराज़ हैं तो मुझे बताओ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, आई हैव नो इशूज़। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ाने के लिए आऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी ऐसे ही फील करते हैं। देखो एमन, मैं अपने सारे अखराजात और सारे फाइनेंसेस यहीं से पूरे करता हूँ, तो लोगों के घरों में जा जा के पढ़ाने से बेहतर है कि मैं एक ही जगह से सारी चीज़ें पूरी कर लूँ। आपको सिर्फ अपने खर्चे और पैसों की पड़ी है? क्या मतलब? मतलब आप किसी और वजह से यहाँ रोज नहीं आना चाहते? तेरी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी देती है, तेरी आंखों की चमक मेरी दिल को रोशन करती है। काश तो मेरे ख्वाबों की ताबीर रहती, मेरी निर्णय के ख्वाबों से हकीकत बन जाती। फराज पापा, आप? नहीं, तुम यहाँ? मैं ये कपड़े रह गए थे लॉन्ड्री में, तो रखने आया था मैं बस। तो आप मुझे कहते थे, मैं कर देती। अरे तुम वैसे ही इतना काम करती हो, पढ़ाइयाँ करती रहती हो, इतनी मेहनत करती हो, अपने काम खुद भी करने चाहिए इंसान को। तो आप अपने कपड़े खुद धोएंगे? हाँ नहीं, मतलब बाहर मुल्कों में सब अपना काम खुद ही करते हैं। मैं मजाक कर रही थी पापा, मैं कर लेती हूँ। हाँ बहुत तेज हो तुम। खबर साहब, यहाँ पे जितने वापस काम करें उनकी सारी मालूम मुझे चाहिए। दिस टाइम पे भी वो लोग क्यों काट रहा है मेरा? दिस टाइम पे भी वो लोग आते हैं जाते हैं, सारी डिटेल्स मुझे दें आप अभी अभी। ठीक है, मैं जाता हूँ आपको। वो सही, ठीक है, फौरन। ओके। क्या यार, स्क्री क्यों कॉल कर रही हूँ बार बार, बताओ। फाकर बहुत ज़रूरी बात है। क्या हुआ है ऐसा बताओ, तो सब्र नहीं किया जा रहा तुमसे। फाकर वो जो पैसे मिसिंग नहीं थे, मुझे लग रहा है कि मुझे मिल गया है। क्या मिल गए? मैं आ रहा हूँ फोन, रुको आता हूँ। फराज साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है, ये सब ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, तुम पे तो छोड़कर देख लिया मैंने, इतने महीने गुजर गए, एक ढेला भी हाथ नहीं आया, और जिल्लत और बर्दाश्त करो। हम जिस हालात में यहाँ आए थे, आपका तो दिवालिया ही निकल गया था।
आपके घर वालों ने तो मुंह तक नहीं लगाया। जहीर भाई का बड़ा पन है कि उन्होंने बिना सवाल किए हमें यहाँ रख लिया और एक दफा भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी बहन उन पे बोझ है। और अब ये सब आप हिस्सा मांगते हुए ये ख्याल नहीं आया तुम्हें है? उस वक्त तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही थी तुम। हिस्से की बात और थी, वो मेरा हक है, लेकिन मैं दूसरों का हिस्सा नहीं छीन सकती, ये बेईमानी है। मैं किसी से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करूंगी। अच्छा, मेरे साथ कर लोगी? हाँ, देखो मैं सारी जिंदगी यहां गर्दामात बन के बैठने वाला नहीं हूं, और ये जो हबीब है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये बचा कुचा कारोबार कैसे डुबा रहा है, और वो उसकी बीवी दूसरी जिसे लाकर उसने घर में बैठा दिया, कितनी खतरनाक है, एक नजर देखकर ही पहचान गया था मैं उसे। अभी तो सिर्फ आयशा को भगाया यहां इस घर से, और ये जो तुम इतने ठाट बाट से बैठी हो यहां पर, बहुत जल्द अपने इस भाई को बोझ लगने लगोगी। मैं कुछ सोच रहा हूं, प्लान बना रहा हूं, ठीक है? मेरे बारे में नहीं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। करो करो करो, मुंह उधर करके बैठ जाओ, बल्कि चली जाओ कमरे से बाहर ही चली जाओ तुम। साथ नहीं देना ना तो मत दो, लेकिन अगर मेरा बनाया हुआ मामला खराब किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वाकई चाचू की जेब से निकली है? मैंने सारे एक्सपेंस शीट्स चेक किए थे, 10 लाख रुपए ही मिसिंग आ रहे हैं। पक्का? आखिर मैंने 3 दफा चेक किया था कि काश मैं गलत होते, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जितने पैसे मिसिंग हैं उतने ही अब्बा ने निकलवाए। चाचू अगले कारोबार में चोरी करेंगे यकीन ही नहीं उठ रहा। हमारी लाख लड़ाइयां ठीक है यार, लेकिन इस बात का शक उन पे नहीं जाता। जरूर ना उनकी दूसरी बीवी ने ही उनसे कुछ मांगा होगा। अच्छे थोड़ी है यार, कोई कुछ मांगेगा तो अपनों को धोखा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सच बताऊं तो मुझे गुस्से से ज्यादा अफसोस हो रहा है। तो आप क्या करोगे? वही जो ठीक है। तो शायद बुरा लगे सर। अजीब स्टूपिड लड़की है यार, बगैर इजाजत मेरी डायरी निकाल के पढ़ ली और ना जाने खुद से पता नहीं क्या समझ बैठी है। Are you sure तुमने उसे कोई हिंट नहीं दी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो मुझे अच्छे से। एनी से मोहब्बत करते हो जो शादीशुदा है, कब तक उसकी याद में बैठे रहोगे? और अगर कोई लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, तुम उसको एनी का भूत तो उतरे हो तुम्हारे सर से। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर बता दो उसे कि वो शायरी उसके लिए नहीं थी। उसने मेरी सुनी कहाँ, उठी और उठ के चली गई वहां से। इसे दिखने में कैसी है? अरे अजीब इंसान हो तुम, आजकल के जमाने में कौन मजनू इस तरह एक ही लड़की के बारे में सोचता है। तुम्हारा ना जूते पड़वाने का प्लान है मुझे, अल्लाह अल्लाह करके तो एक ट्यूशन मिला है, क्या करूंगा यार मैं। सबसे पहले तो उसे सच बता दो ताकि वो कोई उम्मीद ना लगाए तुमसे, आगे देखते हैं फिर कि जूते मिलेंगे या हार। इतने सीरियस ठंडा पानी पियोगे? वैसे भी तुम्हें आदत है स्ट्रेस लेने की और देने की, चलो रिलैक्स करो तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा हबीब ने तलाक की बात कर दी। हर अब हो भी क्या सकता है, आयशा माफी मांग लो, पैरों में पड़ जाओ उसके, इसी तरह घर बच सकता है तुम्हारा। लेकिन अम्मा क्यों माफी मांगे? अम्मा ने तो कुछ गलत भी नहीं किया। देखो बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। हाँ, गलती औरत की हो या ना हो, माफी उसी को मांगनी पड़ती है। लेकिन क्यों अम्मा? आपको कोई जरूरत नहीं अब्बा से माफी मांगने की, हम अलग रह लेंगे। आयशा देखो जरा,
क्या खन्नास भर रखा है तुमने बच्चियों के दिमागों में, इसीलिए एनी भी वहां पर घर नहीं बसा पा रही। सिखाओ इनको, समझौते करने होते हैं, फैसले क्या हमारे अख्तियारों में होते हैं। क्या गलत कह रही? हाँ मैं क्या गलत कह रही है? मैंने क्या कुछ नहीं कहा हबीब के साथ, बताए? सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती गई क्या इतने साल? ठीक है मेरे इख्तियार में ना सही, इन बच्चों के इख्तियार में कुछ तो हो, अपनी मर्जी से सांस तो ले सके। दम घुटता है मेरा, कैसी कैसी जिंदगी है ये? हाँ माँ, जुल्म सहो और फिर जालिम से ही माफी मांगो। काश काश आपने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया होता। क्या कर लेती, इतनी मजबूर ना होती मैं। मैंने देखभाल के इतने अमीर घराने में तुम्हारी शादी की। सच कहते हैं लोग, लड़कियों के नसीब से डरना चाहिए। हम कुछ भी कर ले, बात आकर नसीब पे ठहर जाती है। जब किसी को जिम्मेदार ना ठहरा सकूं तो नसीब को ठहरा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता चला अपा आप आई हुई हैं, वो भी इन हालात में। सब इनकी बहन की मेहरबानी। चले आप फिक्र नहीं करें, मैं बात कर लूंगा अभी भाई से, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मैं थक गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ जाओ, कमरा ठीक कर दिया मैंने, जाओ फौरन। चलो गुड़िया, अपना घर है, पूछने वाली क्या बात है इसमें, चलो। आलिया देखो बाजी को किसी। नहीं, मेरी माँ का घर ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा जाओ, ठाट से रहो, जाओ तुम। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तुम दोनों से कह रही हूँ मैं, आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं करना जो घर का माहौल खराब हो, खासकर अपनी बहन का कोई जिक्र ना निकाल लेना। देखे इसके तेवर? क्या तेवर अम्मा, उसने तो कुछ बोला भी नहीं है। देखो काम एकदम पक्का होना चाहिए, कागजात में कोई झोल ना हो। और हाँ, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसा फंसाओ खुद ही तंग आकर पीछे हट जाए। हाँ नहीं, वो मैं खुद देख लूंगा। ठीक है ठीक, रखता हूँ। सारी पावर तो हबीब के हाथ में ही है, पर इस किस्म की हरकत मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो चाहता क्या है। तो मेरे भी नहीं आ रहा है, सारे बिजनेस के मामला, सारी चीजें उनके सामने है, उसके बावजूद इतनी लापरवाही हो। लापरवाही नहीं, इसे चोरी कहते हैं, ये चोरी है। एनी, हबीब तुम्हारा बाप है और फाखर शौहर, तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। वो हमारे साथ ही है, इसीलिए से उनको अकाउंट से पकड़ा।
फिर ये डिपॉजिट स्लिप भी इसी को मिली थी, मुझे इस पर बुरा भरोसा नहीं। चाहते तो चीजें छुपा सकती थी लेकिन इसे नहीं किया ऐसा। हाँ फैसला अम्मा से करवाते, पंचायत के लिए तैयार हो। यहाँ आप अम्मा को छोड़ने जा रहे थे और वो खुद उठ के आ गई अपनी बेटी को लेके। यहाँ इन देखो तो आ रही, हुआ क्या है? वो फीफा ने तलाक की बात कर दी यार। अब वो रायला बाजी की मौजूदगी वो इग्नोर भी तो नहीं कर सकते, कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा। जिस औरत ने इतने साल सबर का मुनाइजा किया वो इतने से दिन में क्या कर सकती है कि तलाक तक बात आ जाए? आपको पता है हबीब भाई ने कितनी दफ़ा राहिला आपी को तलाक की धमकी दी है लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया, पी गई वो, ऐसे दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने। और अगर तलाक तक बात आ ही गई थी तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि हबीब भाई का मिजाज क्या है, उनको किस बात पर ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। मुझे तो बस अब ये डर है कि वो यहाँ आके बैठ गई है, हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर देंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बात कर रही हो? कुछ नहीं होगा ना। अच्छा आलिया फिक्र नहीं करो ना, एक दो दिन दे दो, आप थोड़ी काम डाउन हो जाए, मैं खुद छोड़ आऊंगा, मैं अभी भाई से बात करता हूँ। अच्छा सॉरी ना, मेरी क्या गलती है इसमें यार? वो अभी भाई का उनका मसला, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? हेलो, हाय अमजा। एमन, मैं तुमसे कहीं बाहर मिल सकता हूँ? असल में मुझे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी तुमसे, अगर तुम अवेलेबल हो तो हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ बताओ, मैं आ जाऊँगी। ये सब क्या हो रहा है आप ही? उनको यहाँ भेजने का क्या मकसद था? कम से कम आप मुझे तो बता देती। मुझे क्या पता था सच में निकल के चली जाएगी वो, इतनी जज्बाती हो जाएगी और मुझे लगा भाई रोक लेंगे, पर उन्होंने रोका ही नहीं बेटा, उन्होंने तो कह दिया कि जाती है तो जाए। लेकिन अब वो यहाँ पे आ गई है, सारे बदले मुझसे निकालेगी, मेरे रिश्ते में जहर घोलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा घर है आलिया। आयशा को भी तो पता चले ना कि दुनिया कितनी कितनी तंग हो गई है उसके लिए, ना ना ससुराल अपना है ना महका, और उसे महसूस होना चाहिए जो तन्हाई मैंने काटी है इतने साल। जमशेद कह रहे थे वो एक दो दिन में आपा को समझा के वापस ले जाएंगे और अभी भाई से भी बात कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी, मैं बताऊंगी तुम्हें आलिया कब करना है ऐसा। तुम वो करती रहो जो मैं कह रही हूँ, बस मैं बताऊंगी। मेरे ख्याल से कोई आ रहा है, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। अब हेलो हबीब, मिशा बहुत शिकायतें रही है मुझे। लेकिन क्या करूं फिर?
है तो अब्बा ही ना। उनको देखकर दुख भी होता है। समझ रहा हूँ क्या कह रही हो तुम। पापा की जिंदगी में बड़ी शिकायतें रही हैं मेरी उनसे, बड़े मसले, लेकिन उनके जाने के बाद सब मिट गया। जो गलतियां जो मसले थे जो भी था, या तो भुला दी वो चीजें या माफ कर दिया उन्हें। अरे अब पूरे दिल के नहीं थे, सख्त मिजाज के थे वो, हमेशा से शफकत भरा हाथ मेरे ऊपर उनका ही रहा। दिल करता है कि चीख चीख कहूं कि अब नहीं, पता नहीं क्या होता है उनको, हम लोगों को तकलीफ देकर ठीक है। हमेशा अपनों को ही दुख दिया है, हम सब जानते हैं, लेकिन इनके बारे में सोच के आप खुद को तो दुख ना पहुंचाओ, दूसरों की गलतियों की सजा आप खुद को क्यों दे रही हो। हमजा नजर नहीं आ रहा आज, कहाँ पे? वो क्रिकेट खेलते ना तो अब ना नजर नहीं आ रहा, छोटे कहीं हुए